11 साल के बच्चे ने आईक्यू टेस्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन को पछाड़ा परीक्षा के बीच, जबकि हो गई थी ये गलती। एक 11 साल के लड़के यूसुफ शाह ने आईक्यू के मामले में मशहूर वैज्ञानिकों अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे वैज्ञानिकों को पछाड़ दिया है। यॉर्कशायर इवनिंग पोस्ट के अनुसार इस लड़के ने आईक्यू परखने वाले टेस्ट में 162 अंक प्राप्त किए, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग्स का आईक्यू 160 के आसपास आंका गया था। ये लड़का लीड्स के विक्टन मूर प्राइमरी स्कूल की 6वीं क्लास में पढ़ता है। यॉर्कशायर इवनिंग पोस्ट से बात करते हुए उसने कहा, स्कूल में हर किसी को लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं और मैं हमेशा जानना चाहता था कि क्या मैं आईक्यू टेस्ट के स्कोर वाले टॉप 2 लोगों की श्रेणी में आता हूं कि नहीं। यह आउटलेट आगे कहता है कि इस परिवार ने फैसला किया था कि शाह अपने हाई स्कूल की तैयारी के साथ मेंसा टेस्ट के लिए पढ़ाई करेगा। दोनों के लिए लगभग एक जैसी ही सामग्री होती है। यूसुफ के पिता इरफान ने आउटलेट को बताया कि ये बेहद मुश्किल टेस्ट है, हमने वही किया जो हम पहले कर रहे थे। आईक्यू टेस्ट के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे के लिए मेहनत करते रहना जरूरी है। इरफान ने कहा, मैं उसे अभी भी यही कहता हूं कि तुम्हारे पिता अभी भी तुमसे स्मार्ट है। हम सब इसे हल्के में लेते हैं, अगर आप क्षमतावान है तो भी आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी। ये भी बताया गया है कि इस टेस्ट के एक सेक्शन के दौरान यूसुफ को 3 मिनट में 15 सवालों के जवाब देने थे, लेकिन उसने गलत सुना कि उसे 13 मिनट में ये जवाब देने हैं। नतीजे के तौर पर उसने सवालों का जवाब देने में समय लगाया, फिर भी बच्चे ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया और इस स्कोर के टॉप 1% में शामिल हो गया। यूसुफ शाह की जहानत को देखकर जनता भी हैरान है और सोशल मीडिया पर यूसुफ शाह की लगातार सराहना देखने को मिल रही है। शनूर नदफ नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत अच्छी बात है लेकिन उन लोगों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इमरान खान नाम के शख्स ने लिखा, जहां कदम रखोगे कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है। 11 साल के बच्चे द्वारा आईक्यू टेस्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन को पछाड़ने की इस खबर को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।